ये बात तो हमने हमेशा कहा है कि इस समय केएल राहुल को देखकर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंड देन जब वो जिम्बाब्वे के दौरे पर गए थे, 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वो खेले भी, लेकिन उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं हुई और ठीक तरीके से उन्होंने उन मैचेस का इस्तेमाल भी नहीं कहा जहां पर कि उनको टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहिए था, वहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, व्हाटएवर। लेकिन अब दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के लेग स्पिन गेंदबाज है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि केएल राहुल को डायरेक्ट एशिया कप में लेकर आना एक बड़ी भूल हो सकती है भारतीय टीम के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये केएल राहुल की जगह पर आपको संजू सैमसन को मौका देना चाहिए। दानिश कनेरिया का कहना है कि संजू सैमसन वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, बड़े टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, जिस तरीके से रन बनाते हैं, जिस तरीके से उनका बैट का फ्लो है, वो किसी भी जगह पर आपको फिट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन केएल राहुल के बारे में दानिश कनेरिया का कहना है कि भाई वो भी बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन भारतीय टीम को उनको T20 वर्ल्ड कप में लेकर आना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दानिश कनेरिया, उनको लगता है कि अचानक की चोट के बाद बहुत जल्दबाजी कर दी टीम इंडिया ने, क्योंकि काफी लंबे समय तक वो चोटिल थे, आउट ऑफ इंडियन स्क्वाड थे, और उसके बाद डायरेक्ट आप लेकर जिम्बाब्वे एंड देन एशिया कप में लेकर आ गए, ये बड़ी भूल हो सकती है। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू दानिश कनेरिया, उनका मानना है कि संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा कि केएल राहुल को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर संजू सैमसन आपके खेल जाते एशिया कप में और यहां पर भी केएल राहुल नहीं खेलते, तो ये चयनकर्ताओं के लिए बड़ा टफ कॉल हो जाता कि डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल को वो कैसे जगह देते। तो चयनकर्ता अपनी जगह बिल्कुल सही है, बस उम्मीद हम यही करते हैं कि केएल राहुल के बल्ले से रन निकले, क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और अपनी जगह को जस्टिफाई करे। भरोसा है, लेकिन रन तो उन्हीं को बनाने हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 1 मैच में मात्र 3 रन बने जो कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में खेला, लेकिन वो एक मैच तो निकल गया, और हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है। क्या पता केएल राहुल के बल्ले से रन निकले, स्पोर्ट्स टॉक यही चाहता है, और अगर वो फॉर्म में आ गए तो फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होते हुए नजर आएगी। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।